देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। प्रेमनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति का लहूलुहान शव उसकी ही दुकान में पड़ा मिला। व्यक्ति के सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर एसपी सिटी श्वेता चौबे पहुंची। एसपी सिटी के अनुसार व्यक्ति की पहचान गंगाराम, जिसकी उम्र करीब 45 साल, जो कि मूल रूप से बदायूं का निवासी है। आज सुबह उसकी दुकान में शव पड़ा मिला। मृतक के सिर में पीछे की तरफ चोट के निशान है। गंगाराम का परिवार नदी से रेत बजरी छानने का काम करता है। वह खुद सड़क किनारे एक झुग्गी नुमा दुकान बनाकर पंक्चर लगाता था और रात में वहीं सो जाता था। कल रात भी वह 8 बजे खाना खाने के बाद अपनी दुकान में आ गया था। सुबह जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन दुकान पर पहुंचे। गंगाराम वहां बेड पर लहूलुहान पड़ा था। सिर में पीछे चोट के निशान थे। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस सभी पहलुओं पर जांच भी कर रही है। खबरों के लिए देखते हैं समय साक्ष्य और समय साक्ष्य के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।